हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 21 का बी बुक फॉलो कर रहे हैं। अगर वाल टॉपिक है हमारा सर्कल, मतलब इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट मिलेगा आपको 11th आरएस अग्रवाल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है आपको, तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कीजिए और हमको मैसेज कीजिए, हम आपका हेल्प करेंगे। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन है 6 नंबर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां लिखिए सॉल्यूशन। आपको पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, तो यहां लिखेंगे पहले हम वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। अरे बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस कितना टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका नाम दो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ पे। अब ये कहां से पास कर रहा है, इस तीनों पॉइंट से पास कर रहा था। चलो लिखो, इट इज पासिंग थ्रू कौन सा, 0.0, उसके बाद 5.0 एंड कितना 3.3। ध्यान से सुनो, पहले इससे पास कराते हैं, फिर इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे। तो पहले इससे पास कराएंगे तो क्या होगा, x और y दोनों का वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2gi into 0 प्लस कितना 2fy into y की जगह 0 प्लस ci = 0। इधर ये भी 0, यहाँ a भी 0, ये भी 0 0, तो सब क्या हो जाएगा 0 + 0 + 0 + 0 + c = 0। तो c का मान क्या निकला, यहाँ से 0 निकला। क्लियर है। अब चलो, अब फिर इससे पास कराते हैं 5.0 से, तो 5.0 करेंगे तो x की जगह 5, y की जगह 0, तो चलो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 2gx, तो x की जगह 5 + 2fy, y की जगह पर 0 + c का वैल्यू कितना निकला है 0, यहाँ पुट कर दो तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस इधर कितना 10g अब प्लस कितना 2f into 0, ये भी 0, यहाँ 0 + 0, तो 25 अब प्लस 10g = ये तो 0 हो गया, सारा पार्ट खत्म। तो 10g = क्या हम -25 लिख सकते हैं, इसको उधर जाएगा तो 5 से काट दो, 5 टाइम जा और 2 टाइम में, तो 2g बराबर कितना -5, तो g बराबर कितना निकलेगा -5/2 निकलेगा। g का वैल्यू निकला, एक मिनट, ठीक है दिख रहा है, अब आ जाओ। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को 3.3 से पास कराना है, तो x के जगह पर 3, y के जगह भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर से देखो ये कितना x² + y², तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 2g into x, x की जगह 3, फिर है 2fy, f की जगह पर कितना, f का वैल्यू नहीं पता है, g का वैल्यू तो पता है -5/2, यहाँ पर आप रखिए ना -2 into g है तो -5/2 और इंटू कितना है x, तो x की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा +2fy, y की जगह 3 + c का वैल्यू कितना 0, मतलब x y के जगह पर कितना 3 रख दिए और g का वैल्यू -5/2 निकाले, पुट कर दिए 2fy, y के जगह फिर से 3, c का वैल्यू हमने 0 निकाला, यहाँ पुट कर दिया। क्लियर है, ये वाला 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 9, यहाँ हो जाएगा -5 into 3 तो -15 और प्लस कितना हो जाएगा 6f = 0, यहाँ 9 और 18 -15 और प्लस 6f = 0, ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करोगे 18 - 15 कितना हो जाएगा 3 + 6f = 0, तो 6f को यहाँ रखो, 3 को उस चार जाएंगे -3, इसको काट देंगे 2 टाइम में कटा था 2f = कितना -1, f का वैल्यू -1/2 निकला। अब क्या करो, देखो g का मान, f का मान और c का मान इक्वेशन 1 में पुट कर दो, यहाँ लिखेंगे पुट g = -5/2 और f = -1/2 एंड c = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या आपका x² + y² + 2
जी एक्स, तो जी के जगह माइनस फाइव बाई टू इंटू एक्स प्लस टू एफ वाई, तो एफ वाई एफ के जगह यहाँ भी माइनस वन बाई टू इंटू वाई प्लस थ्री सी के जगह जीरो, ये टू कट गया, ये कट गया, तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस फाइव एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों सिक्स का सेकेंड नंबर में सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस वन पॉइंट। हमने यहाँ क्या लिखा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लिया और इट इज पासिंग थ्रू दिस वन दिस वन दिस वन पॉइंट। फिर से हम क्या करेंगे, पहले इससे फिर इससे फिर इससे पास कराएंगे, ठीक है। वन कॉमा टू से पास कराएंगे तो क्या होगा, एक्स के जगह वन वाई के जगह टू, तो यहाँ हो जाएगा वन का स्क्वायर फिर टू का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, एक्स के जगह पर वन टू एफ वाई, वाई के जगह कितना टू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ देखो वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर, यहाँ कितना हो जाएगा टू जी, यहाँ टू को टू से मल्टीप्लाई करो फोर एफ और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो चार एक पाँच प्लस टू जी प्लस फोर एफ और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। यहाँ क्या करो टू जी प्लस फोर एफ और प्लस सी, ये फाइव को लास्ट में लिखो बराबर जीरो, इसका नाम दो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। फिर देखो अब इक्वेशन इससे पास कराओ थ्री कॉमा माइनस फोर से, एक्स के जगह थ्री वाई के जगह माइनस फोर, तो थ्री का स्क्वायर एक ही बार लिखे, अच्छा नहीं चलो लिखते हैं थ्री का स्क्वायर प्लस कितना वाई का स्क्वायर, तो यानी माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, एक्स के जगह पर कितना थ्री टू एफ वाई, वाई के जगह माइनस फोर और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, थ्री का स्क्वायर करोगे नाइन, यहाँ हो जाएगा सिक्सटीन प्लस कितना हो जाएगा सिक्स जी माइनस एट एफ और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो सोलह नौ पच्चीस प्लस सिक्स जी माइनस एट एफ और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ हम सिक्स जी को पहले माइनस एट एफ प्लस सी और प्लस ट्वेंटी फाइव को बाद में बराबर जीरो, इसका नाम दिया हम इक्वेशन थर्ड। क्या नाम दिया इसको, इक्वेशन थर्ड, ये रहा इक्वेशन थर्ड। अरे क्या हो गया इसको, ठीक है ना। चलो अब फिर हम किससे, फाइव कॉमा सिक्स से पास कराएंगे, यहाँ लिखेंगे अगेन फिर फाइव कॉमा सिक्स से, तो एक्स की जगह पर फाइव वाई की जगह पर माइनस सिक्स, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम फाइव का स्क्वायर प्लस कितना माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, एक्स की जगह पर फाइव इंटू फाइव कर दो प्लस टू एफ वाई, वाई की जगह पर माइनस सिक्स कर दो और प्लस थ्री बराबर जीरो, ठीक है। अब चलो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो पच्चीस प्लस थर्टी सिक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टेन जी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ट्वेल्व एफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर से टेन जी को पहले लिख लो माइनस ट्वेल्व एफ प्लस सी और इस दोनों को ऐड करोगे कितना होगा बोलो, छः पाँच ग्यारह तीन दो पाँच एक छः यानी सिक्सटी वन बराबर जीरो, ये रहा इक्वेशन फोर होगा ना, छः पाँच ग्यारह तीन दो पाँच एक छः। अब यहाँ पर से क्या करना है आपको, जी एफ और सी का वैल्यू निकालना है, तो पहले क्या करना होगा आपको टू माइनस थर्ड कर दो, तो सी सी कट जाएगा। देखो यहाँ पर करेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड, इक्वेशन सेकेंड कौन सा है टू जी अब प्लस कितना फोर एफ प्लस सी और प्लस फाइव, ठीक है ना, माइनस करेंगे सिक्स जी, अब देखो ये वाला माइनस पहले से तो माइनस वाला प्लस एट एफ हो जाएगा, यहाँ देखो प्लस सी है तो ये हो जाएगा माइनस सी, यहाँ देखो प्लस ट्वेंटी फाइव तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। प्लस सी माइनस सी कट गया, यहाँ पर देखो टू जी अब माइनस कितना सिक्स जी तो कितना होगा माइनस फोर जी, फोर एफ अब प्लस कितना एट एफ तो ट्वेल्व एफ, फाइव अब माइनस इधर ट्वेंटी फाइव तो माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से फोर कॉमन ले लोगे तो माइनस जी प्लस थ्री एफ अब माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो ये फाइनली माइनस जी प्लस थ्री एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसका नाम दे दो इक्वेशन फाइव, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है आपको, एक स्टेप और लिख लो थोड़ा सा, यहाँ पर से इसको अभी मत करो, ये माइनस जी अब प्लस थ्री एफ इसको इधर ले आओगे तो प्लस फाइव, अब इसका फाइव बना दो, ठीक है ना। अब क्या करो एक स्टेप और, क्योंकि ऐसा स्टेप और चाहिए इक्वेशन, तभी जी और एफ निकलेगा, फिर से निकाल लेंगे हम। तो थर्ड
अब माइनस फोर कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर। तो थर्ड क्या है आपके पास, सिक्स जी माइनस एट एफ, सिक्स जी माइनस एट एफ प्लस सी और प्लस 25। चलो अब फोर को माइनस करेंगे, ये वाला माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस 10g, यहाँ प्लस 12f माइनस सी और माइनस 61 इज इक्वल टू जीरो। प्लस माइनस ये c कर जाएगा, तो यहाँ देखो 6g माइनस 10g तो माइनस 4g माइनस 8f अब प्लस कितना 12, तो कितना हो जाएगा प्लस 4f और 25 माइनस 61, बेटा 61 माइनस 25 कितना हो जाएगा, यहाँ 6 36 हो जाएगा। तो ये रहा माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, माइनस जी प्लस एफ, तो माइनस जी प्लस एफ, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस 9 बराबर जीरो, तो माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो ये फाइनली माइनस जी प्लस एफ माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस जी प्लस एफ, इसको 9 को इधर ले जाओ, ये रहा इक्वेशन 6, क्लियर है। अब देखो इक्वेशन 5 और 6 को देखो क्या एक जैसा है, मतलब जी और एफ का है ना कम्बिनेशन, तो इस दोनों को क्या करना, सेम साइन है, तो माइनस कर दो, 5 माइनस 6 कर दो यहाँ पर से, यहाँ करेंगे इक्वेशन 5 माइनस 6 कर देंगे, इक्वेशन 5 है माइनस जी प्लस 3 माइनस जी और प्लस 3f, ठीक है ना। इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस जी और माइनस एफ, उसके बाद 5 इधर है इधर 9 है, तो 5 माइनस 9 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। चलो प्लस माइनस जी से जी कट गया, तो 3f माइनस एफ कितना हो जाएगा 2f, 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 4, ठीक है ना। कुछ बात करनी है, चलिए तो बच्चों यहाँ से f का वैल्यू कितना निकला, 2 टाइम में जाएगा तो f का वैल्यू माइनस 2, ठीक है ना। f निकल गया, अब क्या करेंगे, g निकालेंगे, तो चलो f का वैल्यू यहाँ दो, तो यहाँ माइनस जी और प्लस एफ है, तो माइनस 2 बराबर 9, तो माइनस जी 9 इसको इधर ले जाओगे प्लस 2, तो माइनस जी बराबर 11, तो जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 11, ठीक है। जी और एफ निकल गया, और जी आप इसका वैल्यू कहाँ रखोगे कि सी का मान निकलेगा, छोटका इक्वेशन देखो ना, एक इक्वेशन आपका ये छोटा वाला और एक इक्वेशन आपका ये, इसमें भी डाल सकते हैं, तो बहुत लंबा है। एक काम करो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, बच्चों हमने f का मान माइनस 2 g का मान माइनस 11 निकाल लिया है, इसको पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, आ जाओ 2 तो सही है, g के जगह पर माइनस 11 प्लस 4, f के जगह माइनस 2 और प्लस c और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा माइनस 22 माइनस 8 प्लस c प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 30 प्लस c प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 30 प्लस कितना 25, तो माइनस 5 इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू कितना निकलेगा 5, c निकल गया, f पता है g पता है, c कितना, g f और c का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ पुट करेंगे पुट g इज इक्वल टू माइनस 11 f इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू कितना 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g के जगह 11 इंटू एक्स प्लस 2fy, f के जगह माइनस 2 इंटू वाई प्लस c, c के जगह पर 5 इज इक्वल टू 0, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच गया क्या, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन में क्या था, हम सेंटर और रेडियस नहीं निकाले थे, ठीक है ना। यहाँ है पासिंग थ्रू टी, ठीक है ना, तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा, बोलो सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो जी का वैल्यू कितना माइनस 11, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11, एफ का वैल्यू माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2, एक आंसर ये। रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अरे बोलो रेडियस के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी,
जी का वैल्यू कितना है, माइनस इलेवन का स्क्वायर करो अगर 121, एफ है एफ माइनस टू का होल स्क्वायर कितना 4, सी का वैल्यू माइनस फाइव, ये कितना हो जाएगा 125 माइनस फाइव, इसको घटा दो तो 120। अब इस 120 को क्या लिखेगा बोलो, अरे बोलो, 4 × 30 तो हम 2 रूट अंडर 30 लिख सकते हैं, इतना यूनिट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे चलते हैं। क्या है 6 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस वन पॉइंट। तो हमने क्या लिखा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिस वन एंड इट इज पासिंग थ्रू दिस वन पॉइंट, ठीक है ना। आ जाओ, तो पहले हम 20.3 से पास कराएंगे, 20.3 है ना, ठीक है ना। आ जाओ इससे पास कराते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x की जगह 20, y की जगह पर 3, तो 20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2gx, x का जगह 20 प्लस 2fy, y का जगह 3 प्लस c इक्वल्स टू 0। चलो 20 का स्क्वायर 400, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 40g, मल्टीप्लाई करो 3 को 2 से तो 6f प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा कितना, देखो 40g को पहले लिख लो फिर 6f को लिखो प्लस c, इसको ऐड करोगे तो 409 बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड। फिर अगेन फिर 19.8 से पास करेगा, तो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 19 पुट करो, जहाँ y है वहाँ 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2gx, x की जगह 19 प्लस 2fy, y की जगह कितना 8 और प्लस c इक्वल्स टू 0, 19 का स्क्वायर 361, यहाँ 84 प्लस यहाँ 38g प्लस 16f और प्लस c इक्वल्स टू 0। पहले 38g लिखो फिर 16f लिखेंगे प्लस c, इसको ऐड करोगे कितना होगा बोलो, 4×5 6×6 12, यानी ये होगा 420 ही ना होगा, 4×5, ठीक है ना, 6×6 12 3×1 4, ये रहा एक क्वेश्चन थर्ड, ठीक है ना। फिर किससे पास कराते हैं, 2.9 से, यहाँ लिखेंगे अगेन कितना 2.9, तो एक्स की जगह 2 वाई की जगह 9, तो 2 का स्क्वायर ठीक है ना प्लस माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2gx, एक्स की जगह पर 2 प्लस 2fy, वाई की जगह माइनस 9 प्लस c इक्वल्स टू 0, 4 9 का स्क्वायर 81, यहाँ हो जाएगा 4g माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18f, कितना हो जाएगा 2×9 तो 18f प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहले 4g को लिख लीजिए माइनस 18f प्लस c, और यहाँ हो जाएगा प्लस कितना 85 इक्वल्स टू 0, ये रहा इक्वेशन थर्ड। क्लियर है यहाँ तक, 2 − 3 करते हैं, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड, ठीक है ना। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 40g प्लस कितना 6f प्लस c, एक मिनट सॉरी, 40g प्लस 6f प्लस c और प्लस 409 माइनस, देखो इस वाले को लिख दिए पूरा ये, अब इसको माइनस करेंगे सब माइनस, तो माइनस 38g, देखो माइनस 38g, देखो ना ये हो जाएगा माइनस 16f, फिर कितना हो जाएगा माइनस c, फिर इधर माइनस 425, ये हो जाएगा ना। तब इधर से देखो कौन सा प्लस सी माइनस सी कट गया, यहाँ देखो 40g में से 38 गया, कितना बचेगा 2g, यहाँ 6f और यहाँ माइनस 16, कितना होगा माइनस 10f, ठीक है ना। और यहाँ 425 है, यहाँ कितना है 409, तो ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल्स टू 0, घट जाएगा ना इसमें से, इसको घटाएंगे तो ठीक है। अब इधर 2 कॉमन ले लोगे तो जी माइनस 5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो जी माइनस 5 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो जी माइनस 5 एफ इक्वल्स टू 8, ये रहा इक्वेशन 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम थर्ड, एक मिनट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये रहा 4, ये रहा 4, तो इसका नाम दे दो 5, ठीक है ना। अब थर्ड माइनस 4 कर दो, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस 4, देखो इधर थर्ड माइनस 4 करेंगे तो थर्ड क्या है 38g
प्लस 16f प्लस सी प्लस 425। यहाँ देखो इस थर्ड को वहां लिख दिया, माइनस किसको करेंगे इसको, तो ये भी ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 4g। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 8f सॉरी 18f, ये हो जाएगा माइनस सी और ये हो जाएगा माइनस 85 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस सी कट गया, यहाँ देखो 38 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 34g, ठीक है ना। यहाँ 16 अब प्लस 18 कितना है, ये भी 34f हो जाएगा। यहाँ चलो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा कितना 3 इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ 34 कॉमन लिया तो जी प्लस एफ, अब प्लस कितना इधर से 10 इज इक्वल्स टू 0, ये बचा जी प्लस एफ प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ जी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 10, ये रहा इक्वेशन 6, ठीक है ना। अब इसको देखो उसको देखो क्या करना है, 5 माइनस 6 कर दोगे तो जी जी कर जाएगा। तो आ जाओ यहाँ पर से करेंगे हम इक्वेशन 5 माइनस 6, ये रहा 5 है कितना जी माइनस 5x, तो यहाँ है जी माइनस 5f, इसको माइनस करोगे तो माइनस जी माइनस एफ, इधर है क्या 8, तो ये रहा 8, इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 10, जी जी कट गया, माइनस 5 माइनस 6 माइनस माइनस एफ तो माइनस 6f, यहाँ कितना जगह 18 काट दो तो f का वैल्यू 3, यहाँ माइनस है तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 3, ठीक है ना। f का वैल्यू यहाँ पुट करोगे देखो g निकलेगा, g माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10 अब प्लस 3 तो g इज इक्वल टू कितना निकला माइनस 7 निकलेगा ना, g और f पता चल गया। अब c निकालना है, क्या निकालना है c, तो इधर आ जाओ, छोटा वाला एक क्वेश्चन कौन सा यही है ना, इसमें पुट करते हैं जी और एफ का मान, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस 7, ठीक है ना, माइनस 18f, तो माइनस 18f, f का वैल्यू कितना माइनस 3, अब प्लस सी तो निकालना ही है, प्लस 85 बराबर 0, ठीक है ना। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 28, यहाँ हो जाएगा प्लस कितना 54 प्लस सी और प्लस 85 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो माइनस 28 सही है, इस दोनों को ऐड करो तो 5 4 9 8 5 13 यानी 139 प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोले इसको माइनस करोगे 9 में से 8 या 1 3 में से, तो मतलब सी का वैल्यू 111, तो सी का मान कितना निकला माइनस 111, सी का वैल्यू माइनस 111। अब क्या करेंगे, एफ जी एफ और सी का वैल्यू इस वाले इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बच्चों अब देखो क्या करेंगे, पुट जी इज इक्वल जी का वैल्यू सी का वैल्यू और एफ का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की जगह पर कितना माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2f, एफ की जगह पर माइनस 3 इंटू वाई प्लस सी की जगह माइनस 11 बराबर 0। ये फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करो इसको, माइनस कितना 14x और माइनस 16y माइनस 111 इक्वल्स टू 0, यही फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सेंटर का, तो सेंटर का क्या हो जाएगा बोलो, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, जी का वैल्यू कितना माइनस 1, जी का वैल्यू सॉरी माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस 7, एफ का वैल्यू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो 7, 3 ये हो जाएगा। अब बात करते हैं रेडियस का, तो रेडियस का क्या फॉर्मूला, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी का स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अरे बोलो 9 हो जाएगा। अब सी का वैल्यू माइनस 111, तो माइनस माइनस प्लस 111, ये कितना हो जाएगा 9, 9, 18 यानी 58 प्लस 111, इसको ऐड कर दो 8, 1, 9, 5, 1, 6 इधर, ये इसका कितना हो जाएगा 13 यूनिट, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं।